दोस्तों, मेरा नाम कपिल गोयल है और इस पिछली वीडियो में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन देखा था कि वर्डप्रेस को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जो हमारे लेफ्ट साइड में शो हो रहे हैं। तो ये हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा वेलकम टू वर्डप्रेस, यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे चला जाएगा। इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप्स, यहाँ से हम कोई इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा न्यू पोस्ट क्रिएट करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से हम अपनी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, सेट योर होम पेज, हम अपना होम पेज सेट कर सकते हैं अगर हमने कोई पेज बनाया तो, वगैरह वगैरह। इसके बाद ये हमारा एट ए ग्लैंस में क्या शो हो रहा है कि फिलहाल हमारे पास एक पोस्ट हमारी क्रिएट हुई पड़ी है, उसके बाद एक पेज है, एक कमेंट है और हम 5.1.1 वर्जन यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस का। 2019 थीम हमारी एक्टिवेटेड है करेंटली। इसके बाद एक्टिविटी, एक्टिविटी के अंदर क्या होता है दोस्तों, रिसेंट पोस्ट कौन सी क्रिएट हुई है या पेज क्रिएट हुआ है, जो भी है वो एक्टिविटी के अंदर हमारे शो हो जाते हैं। ये कमेंट शो हो रहा है कि हमारा जो लास्ट कमेंट था ये वाला था जो मतलब वेबसाइट में ऐड हुआ है। ये अपने इवेंट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते रहते हैं। ये कोई ड्राफ्ट होता है, कोई भी हम ड्राफ्ट बनाना चाहें जैसे कुछ भी, तो अपने याददाश्त के लिए तो यहाँ से हम क्विक ड्राफ्ट बना सकते हैं। इसके बाद ऊपर होता है एक स्क्रीन ऑप्शन का, ये स्लाइड होता है नीचे की तरफ। इसमें अगर हम किसी चीज़ को, जैसे हमारे यहाँ पे जो चीज़ें शो हो रही हैं उसको अगर हम हाइड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्विक ड्राफ्ट पे मैं क्लिक कर अनचेक कर रहा हूँ, यहाँ से क्विक ड्राफ्ट वाला सेक्शन हाइड हो गया। इस तरह से ये स्क्रीन ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपडेट। अपडेट के अंदर जैसे हमारी जो वर्डप्रेस का कोई लेटेस्ट वर्जन रिलीज होता है तो वो यहाँ पे शो हो जाता है कि यूअर वर्जन इज आउटडेटेड, और जैसे कोई प्लगइन का नया वर्जन आता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि इसी थीम का आता है तो यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस तरह से ये अपडेट वाला ऑप्शन हमारा काम करता है। अभी हमारे वर्डप्रेस का वर्जन है 5.1.1, अगर 5.1.2 अगर रिलीज होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा पोस्ट। पोस्ट होते हैं ब्लॉग, इसके अंदर जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑल पोस्ट, इसके अंदर हमारी सारी पोस्ट शो होती हैं, जितनी भी हमारी पोस्ट होती हैं तो वो शो हो जाती हैं जो भी हमारी पोस्ट के अंदर ऐड होती हैं। इसके बाद ऐड न्यू, ऐड न्यू यहाँ से हम कोई भी अपनी एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूंगा, अभी मैं बस इस इन ऑप्शंस के बारे में आपको बता देता हूं कि ये क्या काम आते हैं। तो यहां से हम कोई भी अपनी एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी कैटेगरी, जो हमारी पोस्ट सेव होती हैं वो किस कैटेगरी में है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम कोई बैग के नाम से कोई पोस्ट बनाते हैं या आर्टिकल बनाते हैं, या आप लगा लो जैसे कोई क्रिकेट के बारे में हमारी पोस्ट है
तो यहाँ पे हम अपनी उसे कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट के नाम से एक कैटेगरी हम यहाँ पे बना देंगे और उसके अंदर उस पोस्ट को, पोस्ट के साइड में एक ऑप्शन आता है कि कैटेगरी चूज करने का, तो वहाँ से हम अपनी कैटेगरी चूज करके उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे टैग होते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारे टैग होते हैं, हम टैग असाइन कर सकते हैं किसी भी पोस्ट को। यहाँ से हम कैटेगरी चूज करते हैं। अभी अनकैटेगराइज्ड है, बस एक कैटेगरी उसमें बनी हुई है। ऐसी तरह से हम टैग कर सकते हैं उसको असाइन। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे एक टैग क्रिएट हो जाएगा। हो गया, तो इस तरह से हम टैग क्रिएट कर सकते हैं और किसी पोस्ट को भी टैग असाइन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूंगा। इसके बाद आता है हमारा मीडिया ऑप्शन। मीडिया के अंदर हमारी जितनी भी इमेजेज होती हैं वेबसाइट के अंदर, वो सारी यहाँ पे शो हो जाती हैं हमें। अभी फिलहाल इसमें एक भी इमेज नहीं है, तो इसलिए एक भी इमेज हमारी शो नहीं हो रही है। ऊपर आता है एक ऐड न्यू का बटन, तो इसके थ्रू हम अपनी इमेजेज अपलोड कर सकते हैं। ये होते हैं, जैसे इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूंगा, क्योंकि एक एक चीज हम क्लियर करेंगे इसमें। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ बस। इसमें इमेजेज, वीडियो, ऑडियो, अनअटैच, माइन, ये सब हम अपलोड कर सकते हैं। इसमें ये डेट के हिसाब से फिल्टर है। वर्क सिलेक्ट, एक से ज़्यादा इमेज अगर हमें सिलेक्ट करनी है तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई हमें इमेज ऐड करनी है तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे एक अपलोड का इस तरह का बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा पेजेज। पेजेज हमारे जितने भी ये बने होते हैं वो यहाँ पे होते हैं सारे। जैसे हमारे पास बाय डिफॉल्ट दो पेज आते हैं, एक तो प्राइवेसी पॉलिसी, एक सैंपल पेज। ये सारे ऑप्शन होते हैं डेट के हिसाब से फिल्टर करने के लिए। इस तरह से उसके बाद यहाँ से हम कोई पेज ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू पेजेज के अंदर। यहाँ से हम कोई भी अपना पेज बना सकते हैं, जैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं इसी तरह से ये पेज भी क्रिएट होते हैं। ये होते हैं हमारे कमेंट। जितने भी हमारे पोस्ट पे कमेंट आते हैं तो वो सारे इसके अंदर शो हो जाते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन होते हैं, ऑल, माइन, पेंडिंग, अप्रूव्ड, स्पैम, ट्रैश, तो ये सब यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। और एक कमेंट का, जितने भी वेबसाइट के अंदर कमेंट होते हैं वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है हमारा थीम्स। यहाँ से हम थीम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम चाहें। यहाँ से ऐड न्यू करना है तो कोई भी थीम हम वर्डप्रेस के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे बाय डिफॉल्ट थीम होते हैं 3, 2019, 2016 और 2017, ये सब। यहाँ से हम अपना थीम ऐड कर सकते हैं जो भी चाहें। उसके बाद आता है हमारा कस्टमाइज का ऑप्शन। कस्टमाइज के बारे में दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये फ्रंट एंड पे रिडायरेक्ट हो जाता है। कस्टमाइज के अंदर हम लोगो सेट कर सकते हैं, फेव आइकन सेट कर सकते हैं, काफी ऑप्शन होते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे विजिट।
विजिट के अंदर जैसे हमारा जो फुटर होता है उसके अंदर फुटर ये वाला होता है, तो यहाँ से हम अपना फुटर सेट कर सकते हैं। तो वो सेटिंग यहाँ से होती है हमारी। अभी इसमें सर्च है, रीसेंट पोस्ट है, तो रीसेंट पोस्ट हमारा शो रहा होगा, ये रहा। तो यहाँ से हम अपने फुटर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन्यूज। मेन्यूज के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो मेन्यू शो होते हैं, जैसे कि मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये वाला जो मेन्यू होता है, तो ये हम यहाँ से सेट करते हैं। यहाँ से हम कोई भी अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, और इसे हम मेन्यू बोलते हैं। फुटर के लिए भी मेन्यू हम बना सकते हैं, मेन्यू हम कहीं पे भी शो करा सकते हैं अपने कस्टम कोडिंग के थ्रू और जो थीम ऑप्शन होते हैं उनके थ्रू। तो ये हमारे मेन्यू होते हैं, क्विक लिंक्स। इसके बाद थीम एडिटर, यहाँ से हम अपनी कोर फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, जो वर्डप्रेस की कोर होती है हमारी, जो थीम की फाइल होती है उन्हें एडिट कर सकते हैं। पर यहाँ से एडिट करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी साइट है वो रुक जाती है। ये यहाँ पे सारी फाइल होती हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारी फाइल हैं थीम की। उसके बाद आता है हमारे प्लगइन्स। प्लगइन्स छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं, जैसे हमें अपने थीम में कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी है या वर्डप्रेस में कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी है, तो वो हम प्लगइन्स के थ्रू हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे ऑल इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर जितने भी हमारे प्लगइन इंस्टॉल हुए पड़े हैं साइट के अंदर, तो वो सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं हमारे। उसके बाद ऐड न्यू, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम कोई भी अपना प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर एक अपलोड का ऑप्शन आता है, ये सारे प्लगइन हम जो चाहे यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से हम किसी भी प्लगइन को एडिट कर सकते हैं, जैसे थीम को हम एडिट कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ से हम थीम प्लगइन को भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा यूजर्स। यहाँ पे जितने भी यूजर्स हमारे वेबसाइट के अंदर रजिस्टर होते हैं वो सारे यहाँ पे ऑल यूजर्स के अंदर शो हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऐड न्यू यूजर, यहाँ से हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम मॉडरेटर हुआ साइट का, या एडमिन हुआ, या सब्सक्राइबर हुआ, तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ ये होता है यूअर प्रोफाइल, जो हमारी प्रोफाइल है उसे हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल पिक चेंज करनी है जो भी है, यहाँ से हम पिक्चर सेट कर सकते हैं, पासवर्ड नया सेट कर सकते हैं एडमिन का। उसके बाद आता है हमारा टूल्स।
यहाँ से दोस्तों हम अपनी पोस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे किसी दूसरी वेबसाइट पे हमने कोई पोस्ट क्रिएट की हुई है और हम चाहते हैं इसमें इंपोर्ट करना, तो यहाँ से हम इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट की पोस्ट को एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ से हम, जैसे हमने यहाँ पे कोई पोस्ट क्रिएट की हुई है और उनको हम किसी दूसरी वेबसाइट में ले जाना चाहें, तो यहाँ पे टूल अवेलेबल होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट टूल है, वैसे ये ऑप्शन है। इसके बाद सेटिंग, सेटिंग के अंदर दोस्तों जैसे हमारे साइट का टाइटल है, ये है करेंटली ट्यूटोरियल के नाम से, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, ये सब हम चेंज कर सकते हैं, न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल वगैरह वगैरह, मतलब यहाँ से सेट कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा हमारा रजिस्टर होता है तो उसका रोल क्या होगा वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं उसे, साइट की लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, यहाँ से टाइम जोन सेट कर सकते हैं, इंडिया का या कहीं का, हमारे पास इंडिया में 5.5 GMT होता है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट यहाँ से सेट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, राइटिंग के अंदर यहाँ से आप अपनी डिफॉल्ट कैटेगरी सेट कर सकते हैं, पोस्ट फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, मेल सर्वर वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद रीडिंग होता है, रीडिंग में क्या होता है कि योर होम पेज डिस्प्लेज, योर होम पेज डिस्प्लेज के अंदर योर लेटेस्ट पोस्ट, यहाँ पे आप अपना स्टैटिक पेज, जो भी आप अपना होम पेज रखना चाहें तो वो यहाँ यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पेज, यहाँ से आप अपना ब्लॉग का पेज सेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें जिस पे आप अपने पोस्ट शो कराना चाहते हैं। यहाँ पे आप ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, यहाँ पे एक पेज पे कितने पोस्ट शो होंगे तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गूगल पे दिखाना है या नहीं दिखाना है अपनी वेबसाइट, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। डिस्कशन के अंदर दोस्तों आप अपने कमेंट की सेटिंग करते हैं कि कौन कौन आपके पोस्ट पर कमेंट कर सकता है, लॉग्ड इन यूजर कर सकते हैं या अनलॉग्ड इन कर सकते हैं, यहाँ पे काफी सारी सेटिंग होती हैं इसकी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे थंबनेल का साइज, अपने इमेजेज का साइज सेट कर सकते हैं, जैसे थंबनेल का कितना साइज होगा, मीडियम साइज कितना होगा, लार्ज साइज कितना होगा, तो ये जब भी आप अपनी इमेज अपलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने परमालिंक सेट कर सकते हैं, जो यूआरएल आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जैसे किसी पोस्ट का, वो डेट वाइज शो होना चाहिए, तो डे एंड नेम इस फॉर्मेट में शो हो जाएगा वो, और प्लेन के अंदर जैसे आईडी शो होगी, ये मंथ एंड नेम, उसके बाद नोमेरिक जैसे 1 2 3, यहाँ पे आईडी शो होगी, पोस्ट नेम जैसे पोस्ट का नाम होता है उसका स्लग बन जाता है,
कस्टम स्ट्रक्चर कोई फॉलो करना चाहें तब वो भी कर सकते हैं हम, जैसे डे आवर मिनट सेकंड वगैरह, तो वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो सेट कर सकते हैं। तो ये सब सेटिंग होती हैं वर्डप्रेस के अंदर। अब मैं आपको एक एक करके हर चीज़ के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में। यहाँ से आप अपनी साइट, जैसे ये होम का आइकन बना हुआ आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है विजिट साइट, तो यहाँ से आप अपनी साइट ब्राउज कर सकते हैं फ्रंट एंड। ये हमारा होम पेज है। अब ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, तो अब क्योंकि हमने इसमें डिफॉल्ट थीम ही डाले हुए हैं, यहाँ से आप कोई भी नई पोस्ट वगैरह, ये शॉर्टकट है, नई पोस्ट वगैरह यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई कमेंट आता है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप, ये मेन्यू होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। धन्यवाद।